हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का जो आपका टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर फिफ्थ है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो इसमें पहले पढ़ते हैं बेसिक जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है कि वही हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, तो वो अपने आसपास जितनी चीज़ें दिखते हैं वो या तो कैसी दिखेंगी, लिविंग, या उनमें से बाकी देख रहे हैं हम उनको कैसी बोल रहे हैं, नॉन लिविंग। और जो लिविंग जिनको बोल रहे हैं उनको क्या बोल देंगे, वो कैसी हैं, एनिमेट। लिविंग को नॉन लिविंग चीज़ें देख रहे हैं उनको इनएनिमेट, कि वो नॉन लिविंग चीज़ें। तो अपने आसपास जितनी चीज़ें हम या तो उनको डिस्क्राइब करें कि वो लिविंग हैं या फिर वो नॉन लिविंग हैं। लेकिन हमने ये क्राइटेरिया क्या बना रखा है कि कुछ चीज़ों को हम लिविंग बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों को नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी थिंग्स का लिविंग होना, लिविंग नेचर शो करना, वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर वो लिविंग है तो उसके पास बेसिक यूनिट लिविंग होने की क्या मिलेगी, सेल मिलेगी। हम उसको लिविंग बोल रहे हैं, इसका मतलब वो किसकी कंपोज होके बनी होगी, किसके मिलके बनी होगी, उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल होगी। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के पास हम ऐसा कोई बेसिक यूनिट नहीं बोल सकते कि वो किसके बने होते हैं, सेल की बनी होती है। तो जो प्रेजेंस है सेल का, बेसिक यूनिट का, वो किसको डिसाइड करता है, लाइफ को डिसाइड करता है, लिविंग थिंग्स को डिसाइड करता है कि हम उनको लिविंग थिंग्स बोलेंगे। तो इसी बेसिक यूनिट को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होती है उसको अब हम पढ़ेंगे, सेल को। तो है कि भाई अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल मिलेगी, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे हैं जो किसके बने हुए हैं, कंपोज ऑफ सिंगल सेल, कि उनके पास बेसिक यूनिट तो है ओवरऑल फंक्शन करने के लिए, बट वो पूरी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद कंप्लीट किसके बने हैं, सिंगल सेल के ही बने हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स फिर क्या बोले जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो किसके बने हुए हैं, कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, कि उनके पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म कैसे बोले जाएंगे, कैसे ऑर्गेनिज्म है वो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो है कि सबसे पहले यही डिसाइड करना है भाई लिविंग लिविंग थिंग्स मिलेंगी या नॉन लिविंग मिलेंगी। तो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका, कि भाई वो उनके अंदर क्या मिलेगी, बेसिक यूनिट मिलेगी जो उनमें फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। वो सेल इनके अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं मिलेगी। अब सेल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है एक ही सेल का बना हो, कंपोज ऑफ सिंगल सेल, तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। और कुछ हो सकते हैं कि मल्टी सेल के हों, एक से ज़्यादा सेल कंटेन करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम फॉर एग्जाम्पल किसको पढ़ सकते हैं यूनिसेलुलर के अंदर, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा कैसा रहता है, यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया हो गए, वो बैक्टीरिया भी कैसे हैं, यूनिसेलुलर। और एल्गी में होता है क्लेमाइडोमोनास, वो कैसी एल्गी है, यूनिसेलुलर है। तो ये सारे यूनिसेलुलर एग्जाम्पल हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, कि जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले जाएंगे। तो मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल्स में कौन आ रहे हैं, जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स की बॉडी मल्टी सेल है, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। एनिमल्स हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल हैं। अब आता है कि ठीक है भाई, ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सबके अंदर बेसिक यूनिट मिलेगी, सेल मिलेगी। तो सबसे पहले जो यूनिसेलुलर भी है, जिसके अंदर एक ही सेल है, वही उसको लिविंग बना रही है उस ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी, उनके अंदर ये जो सेल है वो क्या करने में कैपेबल है, कैपेबल ऑफ,
यूनिसेलुलर के अंदर भी वो सिंगल सेल क्या कर सकती है। पहला तो क्या है कि वो सेल कम से कम क्या शो कर रही है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि उस सेल का नेचर के अंदर कम से कम क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कि वो इंडिपेंडेंटली नेचर में क्या कर रही है, सर्वाइव कर पा रही है, कि वो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कम से कम नेचर में क्या कर रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। तो कम से कम एक सेल के पास ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका क्या हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो नेचर के अंदर, नेचर के अंदर उसका एग्जिस्टेंस हो, कि वो स्टेबल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चरल जो फंडामेंटल एक थिंग है स्ट्रक्चर, वो उसका एग्जिस्ट करता हो नेचर के अंदर। सेकंड, वो क्या कर रही हो, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ साथ, कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि उसका एक बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसकी एक बेसिक, तो उस स्ट्रक्चर के साथ साथ वो सेल का स्ट्रक्चर साथ साथ क्या परफॉर्म कर रहा हो, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ और परफॉर्म कर रहा हो, कि वो एक सेल भी नेचर में सर्वाइव कर पा रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल अमीबा, तो अमीबा के अंदर तो एक ही सेल है, लेकिन इस एक सेल का एक इंडिपेंडेंट क्या है, एग्जिस्टेंस, अपनी एक स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन है, उसका स्ट्रक्चर है जो नेचर में सर्वाइव कर रहा है। साथ साथ ये पूरी सेल इसके आसपास के इंट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, नेचर के साथ इसकी जैसी इंट्रैक्शंस है उसके अकॉर्डिंग क्या भी परफॉर्म कर रही है, डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, कि ये सिंगल सेल ही क्या भी काम कर रही है, न्यूट्रिशन भी ले रही है, ये सिंगल सेल ही जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल रही है, एक्सक्रीशन भी कर रही है, रेस्पिरेशन भी कर रही है, ये एक ही सेल, तो यानी कि जो इसेंशियल फंक्शन है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे भी कौन ही परफॉर्म कर रही है, सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रही है। तो बेसिक ये फीचर हैं सेल के, कि एक तो क्या शो करे, कम से कम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करे, साथ साथ में वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ साथ वो डिफरेंट क्या करे, फंक्शन परफॉर्म करे, कौन से फंक्शन, जो क्या मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, लाइफ मेंटेन रखने के लिए, लिविंग नेचर मेंटेन रखने के लिए जो जो फंक्शन नेसेसरी है, वो एक सेल वो सारे फंक्शन भी परफॉर्म करे। अब इससे कम हो, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक जो कंप्लीट एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है उससे कुछ भी कम है, तो उसका अगर एक बेसिक सेल भी नहीं बन रही तो उससे कम स्ट्रक्चर है वो क्या नहीं शो कर पाएगा नेचर के अंदर, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा वो स्ट्रक्चर। तो कोई भी अगर सेल से कम स्ट्रक्चर है, इनकम्प्लीट कोई भी स्ट्रक्चर है, वो नेचर में क्या नहीं शो करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट शो नहीं करेगा। तो एनी थिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर, सेल का, उससे कम अगर एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ का तो वो सर्वाइव नेचर के अंदर नहीं करेगी। तो इसलिए हम ये क्या बोल सकते हैं कि भाई जो सेल है वो कैसा फीचर है, वो क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कम से कम एक सेल क्या है, वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल पार्ट है, कि बेसिक वही स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म कन्फर्मेशन के साथ साथ वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर क्या भी परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब सेल से कम कुछ भी, कोई भी स्ट्रक्चर हो, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल से, उसका तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, तो लिविंग बनेगी नहीं। तो लिविंग तो तब जाके बनेगी जब सेल बनेगी, और सेल के पास क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन आ जाएगी, साथ साथ वो फंक्शनली एक्टिव हो जाएगी, फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगी लिविंग बनाने के लिए। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं कि ये क्या है, बेसिक यूनिट, सेल को हम क्या बोल रहे हैं, क्या है, बेसिक यूनिट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे बेसिक यूनिट है, जिसके पास अपना एक स्ट्रक्चर है और अपना वो बेसिक क्या परफॉर्म कर रही है, फंक्शन भी परफॉर्म करने लग रही है।